दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों को, जैसा पता है कि लोग घर में जो है चटाइयाँ बिछाते हैं, जिनके जो कारपेट नहीं बिछा सकते हैं वो चटाइयाँ बिछाते हैं। तो हम लोग चटाई की शॉप पे आ गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं और बहुत मुनासिब पैसों में आप लोगों को यहाँ से जो है चीज़ें मिल जाएंगी। तो शॉप ओनर को मिलाते हैं और शॉप ओनर से पूछेंगे, भाई आजकल कौन से ट्रेंड में जो है चल रही है, ज़्यादातर कौन सी जो लोग जो है बाय कर रहे हैं अपने घर में बिछाने के लिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉप ओनर मेरे पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान। सुभान भाई, थोड़ी सी ना लाउडली बोलिएगा। अच्छा, मुझे जैसे कि ना आपकी शॉप पर आया हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लगे हुए हैं। मुझे इस बारे में इतना पता नहीं है, जब भी मैं सर को ले आया हूँ और सर ही गाइड करेंगे क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो सर मुझे इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है। ये वॉलपेपर, डाइनिंग टेबल, दस्तरखान, ठीक है, डिवाइडर सिंगल में हर काम आती है। अच्छा, ये लगे इसमें एक से प्रिंट है, एक से बढ़कर एक प्रिंट है, ठीक है, जो साहब जो समझ में आए सही है। अच्छा, इसके क्या फिट के हिसाब से सेल आउट होती है यार? मीटर के हिसाब से 180 रुपये बताते हैं, 150 रुपये फाइनल होता है। ठीक है, इसमें लाइन से जो ये सारे प्रिंट सारे प्रिंट इसी प्रिंट कौन से भी लेना आप, सब प्रिंट मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये लगी हुई घास है। अच्छा, इसके क्या हिसाब से देते हैं? ये 150 रुपये 180 बताते हैं, ये आपको 130 रुपये स्क्वायर फिट पड़ेगी। कहाँ यूज़ होती है ज़्यादातर? ये शो पीस के काम भी आती है और कमरे के काम भी आती है, बहुत सारी चीज़ें काम आती है। अच्छा, और जैसे कि मैं आपके देख रहा हूँ ये चटाइज लगी हुई है पीछे, ये इनके बारे में मुझे बताएं। ये वॉल ये डाइनिंग टेबल ना कमरे की प्लास्टिक है, कमरे की प्लास्टिक है जी। ठीक है, इसमें कितने कलर मिल जाएंगे अंकल? इसमें 4-5 कलर मिल जाएंगे। और क्वालिटी में? वैरायटी बहुत सारी वैरायटी है इसमें, ये मैट फिनिश में है। ठीक है, और 3D लाती है, और आम प्लास्टिक मिलेंगे, आम प्लास्टिक की शाइनिंग प्लास्टिक दिखाइएगा। आम प्लास्टिक की शाइनिंग, आम प्लास्टिक में शाइनिंग में आता है जी। अच्छा, जो जैसे ये 3D बोल रहे हैं आप जी, 3D में लगाए अगर इंसान और जैसे चमक उसमें लगाए शाइनिंग वाले में, तो पन्ने का चक्कर होता है? इसमें पन्ने का चक्कर नहीं है, फाइनल में स्लिप नहीं मारेगा। अच्छा, उसमें 3D में स्लिप नहीं होगी जी, पाए कोई इसमें स्लिप हो जाएगी, कोई बच्चे योगी गिरेगा। अच्छा, और जैसे कि मेरे को पीछे भी दिख रहे हैं आपके नए नए प्रिंट लगे हुए, ये बोर्डिंग के बारे में ये कौन से हैं इसके बारे में मुझे बताएं। ये कालीन स्टाइल में, कालीन स्टाइल में है, इसमें 4-5 कलर मिल जाएंगे, इसमें 4-5 कलर मिल जाएंगे। और ये वुडिंग में 3D प्लास्टिक की वुडिंग में ज्यादा चल रही है, ज्यादा ये चल रही है, ज्यादा या वुडिंग में चल रही है? वुडिंग चल रही है। अच्छा, वुडिंग किस हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं आप? जो हम ये बेचे इसमें वैरायटी बढ़ाते हैं, पतला गेज लेंगे 140 रुपये फिट है, मोटे लेंगे 170 रुपये 180 रुपये। ठीक है, जैसे मोटे गेज में ये लगा हुआ है, मोटे गेज में ये लगा हुआ है जी, पतले गेज में ये लगे हुए आपके। ठीक है, सेम डिजाइन एक ही होता है, चीज़ में फर्क होता है, चीज़ में फर्क होता है। हाँ, इसके थोड़ा सा जो है पतला और ये थोड़ा सा जो है अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी। और इसके क्या हिसाब से लेते हैं? ये 180 रुपये है, मगर आपको 160-165 पड़ेगा, 160-165 पड़ेगा। और ये मार्बल डिजाइन भी मिल जाएंगे आपको इसमें। अच्छा, मार्बल डिजाइन, मार्बल के दिखाएं, मार्बल टाइल्स में भी है, सादा मार्बल भी है। अच्छा, डिजाइन एक से बढ़कर एक मिलेगा, ये 3D से बढ़कर एक डिजाइन। अगर इसके बारे में भी बताएं, ये 3D प्लास्टिक में है, 3D प्लास्टिक में है। ठीक है, और ये क्या हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं? एक ही दाम ही दोनों, ये ले लें ये ले लें। अच्छा, ये ले लें ये ले लें। अच्छा, इसकी फिर भी कितने लॉन्ग टाइम कितना चल जाता है ये? 3 साल कम से कम, 3 साल चल जाता है। अच्छा, 3 साल चल जाता है, और जो है आपको जो है एक से बढ़कर एक आर्टिकल जो है मिल जाएंगे अंकल के पास। और मैं जैसे ये दिख रहा हूँ अंकल, इसके बारे में बताएं मुझे। ये पायदान है, पायदान में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मुझे वैरायटी दिखाएं पायदान की। ये पायदान है। अच्छा, ये पायदान है अंकल जी। ठीक है, ये कौन सी क्वालिटी में बना हुआ है? ये कारपेट के पायदान है, कारपेट के पायदान। और ये रबड़ वाले पायदान पीछे, सही है, स्लिप नहीं मारते। अच्छा, ये स्लिप नहीं मारेंगे, टाइल्स और संगमरमर स्लिप नहीं मारेगा ये। ठीक है, मार्बल पे भी लगा सकते हैं और टाइल्स पे लगाए स्लिप नहीं होगा। और ये वॉशरूम के पायदान है ये। अच्छा, ये वॉशरूम के जो सामने लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके क्या प्राइस है वॉशरूम वाले के? 450 रुपए का, 450। और जो आप बोल रहे हैं मार्बल वाला टाइल्स वाला, उसके वो 600 रुपए का, वो 600 रुपए का। उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी कर देंगे ना अंकल? कमी क्यों नहीं करेंगे, कमी पेशी कर देंगे। और जैसे कि मुझे चटाइयां दिख रही है, चटाई मिल जाएंगी चटाई में अभी, और वैरायटी आ रही है, बताएं चटाई में बहुत सारी वैरायटी आ रही है अभी। ठीक है, इसके मुझे मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को भी, बस ये इसके प्राइस मुझे बताएं। इसके ये पड़ेगी आप 1200 रुपए की चटाई है, ये 1200 रुपए की पड़ेगी, 7x9 है, 7x9 मतलब साइज में 7x9 है, 7x9 है। इसमें कलर वाला मिल जाएंगे, कलर बहुत सारे ब्रांड, अभी बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं इसके, नए प्रिंट आ रहे हैं, नए नए डिजाइन आपको सारे मिल जाएंगे और नए कलर भी आ रहे हैं। कुछ अंकल ने जो ना ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह जो है थोड़े बहुत और अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अंकल मुझे एक दो और आइटम दिखाएं, जैसे कि मुझे ये वाले उसमें बताएं इस चटाई का क्या सीन है। ये दरमियानी वैरायटी है, ये दरमियानी वैरायटी है। ठीक है, और ये किस हिसाब से सेल आउट होती है? 160 रुपये 150 रुपये 150 रुपये 160 रुपये
ठीक है, मुझे दस्तरखान के बारे में बताइए, कौन से साइज के दस्तरखान हैं? साइज होते हैं 1 गज के, 1.5 गज के, 2 गज के, ठीक है, साइज अलग होते हैं। अच्छा, इसके क्या प्राइस होते हैं? इसमें 300 का है, 250 का है, 500 का है, 300 250 का। अच्छा, 300 वाला कौन सा खोल के दिखाया मुझे थोड़ा? 300 वाला खोल के दिखाया था आपको, 300 वाला खोल के दिखाए, 300 वाला ही लगा हुआ। ये कौन से साइज में? 3 फीट का है, 1.5 फीट का, 3 फीट, 3 फीट, 3 फीट का जी। और ये मैं जैसे ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर क्या चीज लगी हुई है? ये भी दस्तरखान स्टैंडर्ड टेबल का है, स्टैंडर्ड टेबल टेबल दस्तरखान है ये, ठीक है। चले अंकल से जो शॉप का एड्रेस पूछते हैं, अंकल शॉप का एड्रेस बताएं अपना। रोशन प्लास्टिक है, ठीक है, कोरंगी नंबर 6 मार्केट है, और नूर मस्जिद के साथ है। कोई नंबर है अंकल आपका? नंबर है, नंबर थोड़ा गाइड कर दें अपना। 0313, ठीक है, 2678418, ठीक है। तो भाई अंकल का मैंने नंबर शेयर कर दिया और अंकल ने जो एड्रेस गाइड कर दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप कॉन्टैक्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह अंकल थोड़े और कमी पेशी कर देंगे आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।